अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज जो है मैं अपनी दोनों बेटियों का जो है ना रीशा रमीजा का ट्राउजर कट करने लगी थी। तो मुझे कुछ दिन पहले किसी का कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप अपना ट्राउजर की कटिंग दिखाएं। तो मैं सिंपली जो है ना आज कटिंग कर रही थी, मैंने कहा चले थोड़ा सा क्लिप जो है ना आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मैं किस तरह से। अच्छा, ये जो ट्राउजर है ना ये थोड़ा और टाइप का है, मसलन थोड़ा पैंट की लुक में मैं इसको स्टिच करूंगी, लेकिन इसकी कटिंग बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो खैर, यहाँ पे मैंने पूरा ट्राउजर का जो कपड़ा है ना, क्योंकि मैंने इसमें से दो ट्राउजर निकाले थे, अरीशा का और रमीजा का। एक मेरी बेटी जो है अरीशा वो 7 साल की होने वाली है और रमीजा जो है वो 6 ईयर की है। 1 ईयर का इनका फर्क है, तो मैं ज्यादा जो है ना इनका छोटा बड़ा नहीं रखूंगी। रमीजा का जो है वो 1.5 इंच मैं छोटा रख देती हूँ, अरीशा का इतना साइज जो है ना मैं बड़ा कर देती हूँ। खैर, यहाँ पे जी मैं अब इनकी जो लेंथ के हिसाब से ना इनका ट्राउजर कट कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 इंच का जो ऊपर निशान लगाया है ना, ये बेल्ट के लिए मैंने जो मार्जिन होता है ना बेल्ट के लिए जो रखा जाता है 2 इंच का, वो रखा है। और नीचे मैं पूरा पूरा यहाँ पे रख रही हूँ और दोनों का बराबर मैं ट्राउजर कट करूंगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अरीशा का बड़ा किस तरह किया और रमीजा का मैंने छोटा कैसे किया। खैर, बिल्कुल सिंपल कपड़ा हमने इस तरह से उतार लिया है। और ये मैं अभी एक ट्राउजर को पहले कट कर रही हूँ, इसको ना दूसरे कपड़े के ऊपर रख के मैं दूसरा भी आसानी से फिर कट कर लूंगी। इस तरह मुझे ना मुश्किल नहीं होती और मेरा टाइम भी जो है ना फिर बच जाता है। खैर, इन दोनों पीसेस को हमने इस तरह से सेपरेट कर लेना। उसके बाद ये देखिए हमने इनको सिंपली फोल्ड करना है। सेपरेट सेपरेट ही मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, एक साथ मैंने इकट्ठा रख के फोल्ड नहीं किया। फ्रंट और बैक जो है ना हम इसको इस तरह से रखेंगे। जो बंद वाली साइड है वो मैंने दूसरी तरफ कर दी, ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ कर दी है। तो अब आप देखिएगा, पहले आप पता क्या किया करें, जब भी कोई कपड़ा आपने कट करना हो ना तो उसको प्रेस कर लिया करें, चाहे वो शर्ट हो चाहे वो ट्राउजर हो। इससे ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। और यहाँ पर जी दूसरा जो पीस है उसको भी मैं अच्छी तरह से प्रेस कर लूंगी और दोनों को बराबर एक दूसरे के ऊपर ढा लूंगी। तो आज के व्लॉग में आपके साथ कटिंग का जो है ना शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स करते रहे हैं कि प्लीज कटिंग स्टिचिंग के साथ सिखाएं। तो मैं शर्मिंदा भी होती हूँ और बस मैं किसी तरह जो है ना मैंने बड़ी मुश्किल से फिर ये जो क्लिप्स है ना सिंपल से मैंने कहा आज आपके साथ शेयर कर लूं, हो सकता है आपको को थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने देखे एक कपड़ा जो है उसको बढ़ा के रखा हुआ और एक कपड़े को मैंने कम मसलन रखा है। वो पीछे वाला जो कपड़ा है नीचे वाला उसको मैंने 1.5 इंच बढ़ा के रखा है। यहाँ पर उसी तरह हम बेल्ट का फिर से दोबारा निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे 2 इंच मैंने देखे ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ा है। और यहाँ पर जी अब जिस तरह मैं निशान लगा रही हूँ ना उस तरह फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी बेटियां जो है मेरी बेटियों के मुताबिक है, मसलन उनकी एज की है, फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो ये जो ट्राउजर है ना ये रमीजा का मैं सारा साइज ले रही थी, लेकिन ये रमीजा को पूरा था लेकिन अरीशा को जो है वो छोटा था। मैं क्या करती होती हूँ कि ऊपर से जो साइज है ना इनका बराबर ले लेती हूँ और लेंथ वाइज जो है ना मैं थोड़ा लंबा कर देती हूँ। मसलन आसन वाली साइड जो है ना उसको मैं बराबर रखती हूँ दोनों बेटियों का और नीचे से लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। यहाँ पर जी मैंने 5 हाथ थोड़ा ज्यादा लूज नहीं रखना था, तो मैंने नॉर्मल सा ही रखा है। मसलन इतना ज्यादा मैंने लूज भी नहीं रखा। तो यहाँ पे देखें जो कर्व का निशान हम लगा रहे हैं ना, इसमें आपने ज्यादा गुलाई नहीं देनी। जब भी इसको ज्यादा गुलाई देंगे ना तो फिर ये खींच पड़ती है आसन वाली साइड पे ना, फिर खींच पड़ती है बच्चों को ट्राउजर में ऊपर की तरफ खिंचाव पड़ता है। तो इस तरह आपने बिल्कुल हल्की सी गुलाई देनी है। और नीचे से देखे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है और ऊपर ला के ना इसको थोड़ा सा इसके साथ मिला दिया है। तो इस तरह सिंपल सी ये शेप देनी है। पेट प्लाजो जो होता है ना वो है, लेकिन ऊपर से जब मैं इसको स्टिच करूंगी ना तो मैं इसको पैंट की शेप भी दूंगी। स्टिचिंग की वीडियो जो है ना मैं आपके साथ शेयर तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आप इस तरह से ट्राउजर को इजिली कट कर सकती हैं। तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको बता नहीं सकती कि कितनी मुश्किल से जो है ना मैं वीडियो का ये क्लिप बना रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। तबीयत जिस तरह की मेरी है तो मैं ज्यादा जो है ना इतना वो आपको ज्यादा जो डिटेल में जो है ना वीडियो नहीं दे पाई, लेकिन कोशिश पूरी की है कि आपके साथ थोड़ी सी पहले आपको समझ लग जाए। मैं आसान तरीके से ट्राउजर कट कर रही हूँ, क्योंकि जब इंसान की तबीयत आवाजार होना तो फिर उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वीडियो कैप्चर करना तो बहुत ही फिर दूर की बात है। लेकिन मेरी देख लें कोशिश होती है कि मैं डेली व्लॉग्स आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँ, अपलोड करूँ, चाहे वो जैसे भी आपको पसंद आए ही ना। लेकिन मैंने अपने आप को जो है ना पूरा रेगुलर रखा हुआ है कि आपके साथ वीडियो लाजमी शेयर करनी है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो जो लोग जो मेरी प्यारी सिस्टर जो हैं जो लाइक करती हैं वीडियो को, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। खैर, ये दोनों पीसेस को हमने इस तरह से सेपरेट कर लिया है। अब ये देखें इसी ट्राउजर को जो है ना मैं रख के दूसरे पीस के ऊपर आसानी से कट कर लूंगी। दोनों बेटियों के ट्राउजर मैं इसी तरह कट कर लूंगी। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि रमीजा का मैं छोटा कैसे करती हूँ। तो ये नीचे से देखे जो हमने मैंने जो है ना नीचे से फोल्डिंग का जो मार्जिन है ना वो मैंने रीशा का नहीं रखा, लेकिन
रमीजा का मैं इसी के अंदर से फोल्ड कर दूंगी पांचा, अरीशा का मैं एक सेपरेट पट्टी लूंगी, उसको जो है ना जिस तरह हम पलटा लगाते हैं ना उसी तरह मैं ट्रोजर के साथ अटैच कर दूंगी, तो उसकी लेंथ उतनी की उतनी रह जाएगी, रमीजा की थोड़ी छोटी हो जाएगी। ये मुझे बड़ा बेनिफिट होता है यहाँ पर। खैर अब दूसरा ट्रोजर भी इसके साथ आसानी से मैं काट लूंगी, तो आप देखते जाइए वीडियो में कि मैं किस तरह से देखे दूसरे ट्रोजर को भी कट कर रही हूँ। कल मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया कि आप मशीन की वीडियो मैंने अपलोड की थी ना, तो उसमें मुझे कमेंट किया गया कि आप जो है ना मशीन के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं, तो मैंने फिर उनको डिटेल से बताया कि मैंने मशीन की जो वीडियो आपके साथ शेयर की है उसमें क्लीनिंग मैं अपनी मशीन की कर रही थी, मैं मशीन का कोई ट्यूटोरियल नहीं दे रही थी, आपको डिटेल नहीं बता रही थी कि ये मशीन इस तरह की है, ये इस तरह काम करती है, या आप इसके ऊपर इस तरह काम कर सकते हैं। मैंने अपनी डेली रूटीन की जो होती है ना वो आपके साथ शेयर करनी होती, तो डेली रूटीन में मैं उसको क्लीन कर रही थी। मैंने सोचा कि इसकी भी छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस तरह की मशीन को देखें, हमें बड़ा इसका ना ध्यान करना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है। तकरीबन एक महीने के बाद तो मैंने उसको टच किया था, और खैर वो कह रही थी कि आप कुछ बताया तो है नहीं आपने ये वो, तो ये असल में आप सबको पता है कि मेरा व्लॉग चैनल है, कोई टेक चैनल तो है नहीं, कोई सिखाने वाला तो कोई है नहीं मसलन, तो आप ना इस तरह के कमेंट करके ना तो आप ना किया करें, आप वीडियो को अच्छी तरह से गौर से समझा करें मैं किस हवाले से जो है ना मैंने वीडियो बनाई है, तो आपको फिर आसानी हो जाएगी। खैर यहाँ पे देखें जी, हमने दोनों ट्राउजर कट कर लिए थे। आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।